अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त रिपोर्टर एमके अली टीएनसी न्यूज़ से। दोस्तों मैं आज आया हूं बोराबंडा अल्लापुर में। जी हां, अल्लापुर बोराबंडे में यहां पर एक नया स्कूल ओपन होने जा रहा है, जिसके डायरेक्टर हैं जनाब सईद अहमद खान साहब। जी हां, सईद अहमद खान साहब इसके डायरेक्टर हैं, और मैं सईद अहमद खान से कुछ ज़रूरी इसके मुतालिक सवाल करूँगा इस स्कूल से रिलेटेड, क्योंकि बोराबंडे के अंदर इतने स्कूल्स हैं, इतने इंस्टीट्यूट्स हैं, उसके बावजूद सईद अहमद खान साहब एक स्कूल ओपन करने जा रहे हैं, और ये ओपन क्यों करने जा रहे हैं, इसके पीछे आप क्या मकसद लेकर आए हैं, क्या कॉन्सेप्ट है आपका? तो अस्सलाम वालेकुम सईद अहमद खान साहब। सईद अहमद खान साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आप पहले तो आपके स्कूल की पूरी डिटेल बताइए, स्कूल का नाम बताइए, और आप मेरे को ये बताइए कि आप क्या कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं और एजुकेशन के अंदर आप क्या डेवलपमेंट्स लेकर आ रहे हैं। हालांकि आपके आजू बाजू दरमियान में इतने सारे स्कूल है, मोहल्ले के अंदर खुद स्कूल है, उसके बावजूद आप एक स्कूल यहां पर ला रहे हैं, और कंपटीशन भी बहुत है, और एजुकेशन भी सबकी एक अलग अलग अपनी अपनी सोच के हिसाब से, अपने अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से लोग नया नया क्रिएट करके एजुकेशन ला रहे हैं, तो आप क्या नया क्रिएट इसमें किए हैं, आपका क्या कॉन्सेप्ट है, मैं वो आपसे जानना चाह रहा हूँ जी। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, और फिर जो है मैं आपका भी जो है शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जो है हमारे स्कूल में इंटरेस्ट लिए और फिर हमारे पास जो है इसके लिए कुछ सवाल करने आए। ये हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि जो है यही बात लोगों तक पहुँचेंगी आसानी से, और जो है वो लोग फ़ायदा उठा सकते। अब रहा सवाल के कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों आप स्कूल क्या कॉन्सेप्ट देना चाह रहे हैं। असल में ये जो हम स्कूल स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें ये कॉन्सेप्ट स्कूल ही है असल में जी। जो स्कूल है ये कॉन्सेप्ट स्कूल ही है। असल में एज ए पेरेंट हम क्या फेस कर रहे हैं, उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं जी। एज ए पेरेंट हम क्या चाह रहे हैं, हमारे नीड्स क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है एजुकेशन को लेके, हम उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। वट एवर वी आर फेसिंग इन, वी आर फोकसिंग ऑन दैट। तो फेस क्या कर रहे हैं, 5 पॉइंट्स है हमारे जी, जिसके ऊपर जो है एक पेरेंट, चाहे कोई भी रहने दीजिए, आप रहने दीजिए, मैं रहने दीजिए, या फिर कोई भी रहने दीजिए, अभी वो पॉइंट्स के ऊपर जो है फिक्रमंद है, सोच में है, और जो है चाह रहा है कि वो होना है। तो हम चाह रहे हैं कि एज ए पेरेंट जो सोच है उसको फुलफिल करें। तो 5 पॉइंट्स में से सबसे पहला पॉइंट है जिसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। अब देखिए, स्कूल्स को जाते हैं बच्चे, एक इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर जो है बच्चा जा रहा है आ रहा है, मगर इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने के बावजूद भी जो है विल बी नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, विच इज द बेसिक नीड ऑफ द पीरियड। द बेसिक नीड ऑफ द पीरियड इज इंटरनेशनल लैंग्वेज। एवरी किड whoever going to school must speak in English, must understand as well as must speak. If he doesn't speak, then what is the use of going to school in English medium school? No use. तो हम क्या करेंगे, बच्चे को जो है सबसे पहले fluent in English करेंगे। जब बच्चा हमारे पास से निकलेगा तो he'll be able to speak confidently and that too very smartly. ये हमारा जो है फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि हमारे पास देखिए, बच्चे स्कूल को फिर से जा रहे हैं, हर एक स्कूल को जो है कोई भी रहने दीजिए, बच्चा जा रहा है, जाने के बाद जो है आप देखेंगे कि बच्चा 100 out of 100 लेके आता है और टॉपर भी है क्लास का। हम प्रोवाइड करेंगे सेकेंड पॉइंट नॉलेज। टॉपर है बच्चा, 100 of 100 points भी लेके आ रहा है, मार्क्स भी लेके आ रहा है, मगर जब आप उसको पूछेंगे कि बेटे जो तुम पढ़े ना, इसका मतलब तो बोलो, बोले बच्चा ब्लैंक है, ही डजंट नो एनीथिंग। सिर्फ आप ये बोलना चाह रहे हैं कि सिर्फ बच्चा रीड कर रहा है, समझ रहा है, रट्टा मारो पढ़ाई चल रही है, रट्टा मारो पढ़ाई चल रही है, और बच्चा 100 out of 100 लेके आता है। नॉलेज स्कूलों में किताबों में भरा पड़ा हुआ है, बट किड नॉट गेटिंग इट ड्यू टू व्हाट, समझ रहे हैं, सिर्फ उसको रीड कर रहे हैं, उसको बस जमा कर ले रहे हैं, जमा कर रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं, उसको समझ में आता नहीं, आता नहीं। स्कूल में ये याद करके आना बच्चों, वो तो वो बस रात भर याद करके चले आते थे। बिल्कुल सही, वैसे ही बिल्कुल सही। दूसरा पॉइंट ये है कि हम उसको नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, इफ ही इज
स्टडीइंग इंग्लिश सब्जेक्ट देन ही मस्ट अंडरस्टैंड हिंदी. अगर उन्हें तेलुगु पढ़ रहा है तो भी उसको जो है उसकी मदर टंग में समझ में आना चाहिए. फिर बाद में जो है मैथ्स रहने दीजिए, साइंस रहने दीजिए, सोशल रहने दीजिए, ये पूरे सब्जेक्ट उसको उसके उसमें समझ में भी आना और उसके ऊपर जो है उसको हासिल होना. ये कैसा हो सकता बोले तो उसको समझ में आना, जो पढ़ रहा हूँ उसको हासिल कर सकना. तीसरा पॉइंट है, आज का माहौल हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स, अगर हम देखेंगे सराउंडिंग एरिया में, अब मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ कोई एरिया का नाम, तो बच्चे जो स्कूल को जाने वाले बच्चे हायर क्लासेस के गांजा मार लेते फिर रहे. ये तो बहुत सारा ये आज की गवर्नमेंट हमारी एरिया के सीआई साहब और जो है दूसरे हमारे कॉर्पोरेटर साहब, ये तमाम लोग इस तरीके को मिटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे. जी हाँ, लेकिन इसकी वजह क्या है? वजह ये है, तीसरा पॉइंट हमारा अखलाक, अखलाक से जो है बिल्कुल पैदल है. मॉडर्न एजुकेशन में भी उसको जो है अखलाक कैरेक्टर मिलता है, जो समझ नहीं सकने से जो है वो कैरेक्टर नहीं मिल रहा उसको. और फिर मॉडर्न एजुकेशन के अलावा हम उसको प्रोवाइड करेंगे. फोर्थ पॉइंट जो है हमारा, पांच में से जो फोर्थ पॉइंट है, अच्छा मैं एक मिनट आपको तीसरे पॉइंट मैं थोड़ा कंप्लीट कर लूँ. फोर्थ पॉइंट जो है, हम बच्चे को सिखाएंगे कुरान पढ़ना. जी, लास्ट में हम एक सब्जेक्ट रखेंगे, बच्चों को फिर कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ना. हम उसको हाफिज बनाएंगे, अरबिक लैंग्वेज के ऊपर भी जो है उसको थोड़ी ग्रिप देंगे, ताकि जो पढ़ रहा हो ना उसको समझ में आए और फिर जो याद करा हो उसको रख सके और मजीद और याद कर सके. और सिर्फ याद ही नहीं कर सके, कुरान जब समझ में आ जाती है तो उसको जो है अमल भी कर सके. समझ में आएंगी तो अमल करेंगे ना, तो हम उसको समझाएंगे भी. जब उसको ये समझ में आ जाएगा कि अल्लाह ताला की खुशखबरी किसके ऊपर है, अल्लाह ताला की वईदें क्या है, अजाब किससे है और जो है इनामात क्या है, तो बच्चा जो है ऑटोमेटिकली अखलाकमंद बन जाएगा. उन्हें बुराइयों से दूर रहेंगे, बुराइयों से बचने की कोशिश करेगा, नेकियों के जो है आगे, नेकियों के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करेगा. ये हमारा चौथा पॉइंट है. पांचवा पॉइंट बोलूँ मैं, इससे पहले कुछ आपका सवाल था. नहीं, मेरा ये सवाल था, जो तीसरा पॉइंट था आपका, जो अखलाक पे जो बच्चों की आप बात करेंगे, तो ये आप सिर्फ बात करेंगे या इनको सिर्फ समझाएंगे या इसके काउंसलिंग्स वगैरह स्पेशली होंगे यहाँ पर? पास हफ्ता जैसे मैं बताया कि मैं उनको जो है कुरान के जरिए से, अल्लाह के अहकाम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात के जरिए से जो है उनको अखलाकमंद बनाऊंगा, उनके जहनों में भरूंगा मैं कि अल्लाह ताला के जो है वईदे हैं, अगर ये करेंगे तो आपको जो है दोज़ख़ मिलेंगी, अल्लाह ताला नाराज़ होगा आपसे, अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करता है, आप ये नहीं करना, आपको अल्लाह ताला इनाम देगा इस बात पे. ऑटोमेटिकली जिस तरीके से उसको तरबियत की जाएंगी बच्चे, तरबियत इस्लामिक तौर पे है और फिजिकल उसके नुकसान भी बताएंगे आप? फिजिकल नुकसान भी अगर आप देखेंगे तो इस्लाम में हर चीज़ है, ठीक है. अगर हम उसको देखिए, इस्लाम तो उसको उसका जो है आखिरत का सवाल नहीं, नहीं सौदा होगा नहीं. दूसरा फिजिकल जो उसका अभी में आगे बढ़ना है ना, वो उसकी लाइफ है और उसके हेल्थ. देखिए, इन चीजों से अगर कुछ ऑर्गेन्स उसके खराब हो जाते हैं आगे चल के हेल्थ पे. और दूसरा जो है, सईद भाई बहुत अच्छे इस पे बताए, मुकम्मल बता दिए. मैं मजीद इस पे और क्वेश्चन नहीं करूंगा पर्सनली इसके ऊपर. आपने ये जो चौथा पॉइंट रखा है, पर्सनली मैं एक वक्त निकाल के इसके ऊपर, क्यों बोले तो मैं इसमें इंटरेस्ट बीच में इसीलिए दिखाया, मेरे को भी ज़्यादा से ज़्यादा इस पर जुस्तजू है कि आज माशरा किधर जा रहा है और ये बच्चे किधर जा रहे हैं. तो सईद अहमद खान साहब, टाइम वेस्ट करे बगैर अपन अपने पाँचवें पॉइंट पर. बिल्कुल, तो पाँचवा पॉइंट ये है कि हम बच्चे को स्पोर्टिव बनाएंगे. जी, स्पोर्टिव से, स्पोर्टिव से जो है हमारा मतलब ये नहीं है कि हम उसको क्रिकेट प्लेयर बनाएंगे या फुटबॉल प्लेयर बनाएंगे, ये नहीं है, बल्कि हम डेली बेसिस में उसको कुछ एक्सरसाइज, कुछ खेल कूद, जिससे जो है बच्चे की एक बॉडी की जो है एक्सरसाइज हो सके, कुछ फिजिकल फिटनेस भी रहे, फिजिकल फिटनेस हो सके, रह सके, जो भी खाए उसको हजम हो सके, फिर भूख लग सके. और इससे क्या होता, फिजिकल फिटनेस, फिजिकल एक्टिविटी से क्या होता, बच्चा फिट रहता, फिट रहता. तो ये आपके पाँच पॉइंट ये बहुत ही ज़बरदस्त थे, अच्छे थे, जिस जो कॉन्सेप्ट आप लेके चले हैं. अब आप ये बताइए, स्कूल का आप नाम क्या रहा है? जी, हमारे स्कूल का नाम है इखरा इंटेलेक्ट हाई स्कूल. तो ये स्कूल कहाँ से कहाँ तक चलेगा बोले तो, किस क्लास से स्टार्ट है और कहाँ तक है? नर्सरी से टेंथ क्लास तक का स्कूल है ये, हायर. हाँ, हायर, हायर क्वालिफिकेशन. अभी आप जो एडमिशंस लेंगे ये कब से लेंगे और कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक अभी लेंगे? आपको प्राइमरी लेंगे या आप पूरा एसएससी तक लेंगे? नहीं, असल में हम जो है ये फर्स्ट ईयर हमारा स्कूल स्टार्ट यहाँ पे जो हो रहा है, हम प्राइमरी तक वेलकम करेंगे
पूरे स्टूडेंट्स को प्राइमरी के बाद जो है नेक्स्ट ईयर हम पूरे 10th क्लास तक लेंगे एडमिशन। और जो एडमिशंस का सवाल है, हम जनवरी के इंशाल्लाह मिडिल ऑफ द मंथ से जो है एडमिशन स्टार्ट करेंगे। तो आपका ये जो स्कूल का जो वर्क है वो कहाँ तक आया है? अल्हम्दुलिल्लाह अनकरीब ख़त्म पे है। ये महीने में हमारा वर्क पूरा कंप्लीट हो गया, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रेडी हो जाएगा हमारा स्कूल। ब्लॉक इसके लिए खड़ा हुआ है, तो इंशाल्लाह ये मंथ जैसा एंडिंग में ख़त्म हो जाएगा हमारा प्रोसेस, उसके बाद जो है हम मिडिल ऑफ द मंथ से एडमिशन। आपके एरिया कॉरपोरेटर और MLA का कितना टाउन है इसमें? टाउन यानी कि सपोर्ट एजुकेशन के रिलेटेड। हमारे एरिया कॉरपोरेटर और MLA साहब, मैं समझता हूँ ऐसे कोई MLA और कोई कॉरपोरेटर मैं नहीं देखा जितना ग्राउंड और फील्ड वर्क करते हैं हमारे एरिया के कॉरपोरेटर सबिया गौसुद्दीन साहिबा और गौस भाई, और फिर MLA माधवन कृष्णा राव साहब जो है जितना फील्ड पे रह के इश्यूज एड्रेस करते हैं मैंने देखा कोई और करता होगा। और उनकी ख्वाहिश है इस तरीके का कोई स्कूल डालने की जो है हम पूरा करने के लिए जा रहे हैं, मगर उनका नहीं होता है। हमारे तरफ से जो है इसको उनकी ख्वाहिश को हम जो है हम पूरा करने के लिए जा रहे हैं, और मैं समझता हूँ जो है वो लोग खुश होंगे और बल्कि जो है हमारा ताउन भी करेंगे। तो दोस्तों ये थे सईद अहमद खान साहब, एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ, एजुकेशन कॉन्सेप्ट के साथ एक स्कूल ला रहे हैं, जिसमें आपने जो बातें बताई सारी मैं फिर से रिपीट करूँगा तो खाली बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया होगा। तो एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ आप एक स्कूल यहाँ पर ला रहे हैं बोराबंडा अल्लापुर में। तो मैं भी आपसे गुजारिश करता हूँ कि आस पास के करीब के लोग इस स्कूल की तरफ आएँ और आपको समझें और ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशंस लें, ताकि आपके बच्चे एक अच्छा एजुकेशन, फिटनेस सारी चीज़ें हासिल कर सकें और आप इससे अच्छा फ़ायदा उठा सकें। मैं आपका दोस्त रिपोर्टर MK अली, TNC न्यूज़ से।